हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिमन कौर और आज हम मेरे एक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर ने मुझे अपना एक प्रोजेक्ट भेजा था जो वो कह रहा था कि इसे आप कंप्लीट कर दें। तो उसने यहाँ पर बोला था कि मुझे अपनी ईमेल दे, तो मैंने उसको अपनी ईमेल भेज दी थी। तो इसका नाम था सुखमन सिंह, तो मैंने उसको सुखमन सिंह को अपनी ईमेल भेज दी थी। तो आज हम सुखमन की ये गेम को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम पूरी कोडिंग चेक करेंगे और उसकी गेम को कंप्लीट करके उसे सेंड कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या हो। टॉट फाइव डिफरेंस, तो यहाँ पर पहला डिफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। लेकिन मैंने सभी तो डिफरेंस जहाँ से सिलेक्ट कर लिए कि कौन कौन से है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि वो ये चाहता है कि यहाँ पर ये बताए कि आप जीत गए, आपने सभी डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये उसे हो नहीं पा रहा था और ये अभी हमने करना है। तो चलिए अभी हम करना शुरू करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जब हम एक डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं तो एक स्कोर बननी चाहिए। तो इसके लिए पहले हम शुरू से एक स्कोर, तो पहले हम एक वेरिएबल को डालते हैं। तो यहाँ से मैं लेती हूँ सेट आई, तो ये मेरा वेरिएबल का नाम है। यहाँ से देती हूँ, तो मैं यहाँ से देती हूँ रीनेम दिस वेरिएबल और नेम दे देती हूँ स्कोर, SCORE स्कोर, और इसे अभी क्रिएट कर देती हूँ। तो ये मेरा हो गया वेरिएबल स्कोर। तो इसकी शुरू से इसका स्कोर होगा जीरो। तो मैं मैथ्स में जाकर यहाँ से लूँगी ये वाला ब्लॉक और यहाँ पर डाल दूँगी कि शुरू से इसकी जो स्कोर है वो ज़ीरो होगी। तो जब हम एक डिफरेंस फाइंड कर लेते तो वो जीरो से एक वन बननी भी चाहिए, मतलब कि स्कोर इंक्रीज भी होनी चाहिए। इसके लिए अभी मैं वेरिएबल्स में जाके यहाँ से लेती हूँ सेट आई, आई नहीं है अभी हमारा, अभी ये स्कोर है। तो यहाँ से मैं स्कोर डाल देती हूँ। तो अभी स्कोर में एक वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो फिर मैं मैथ्स में जाकर यहाँ से लेती हूँ ये वाला ब्लॉक और इससे बाहर निकाल कर स्कोर प्लस स्कोर। तो इसी के लिए मैं वेरिएबल में जाकर यहाँ से ये वाला ब्लॉक लेती हूँ, स्कोर प्लस, अभी उसमें एक और वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ वन, उसमें वन वन अभी इंक्रीज होना चाहिए। तो ऐसे अभी हमने सभी में करना है। तो इसी के लिए अभी मैं इसका कॉपी कर लेती हूँ ब्लॉक, कंट्रोल सी वी। तो अभी मैं इसे सारे विन के नीचे लगा देती हूँ। तो जैसे ये है जब इसके ऊपर स्कोर होता है, तो ऐसे अभी हम सभी के ऊपर कर देंगे। तो अभी मैंने सभी वैन वाले ब्लॉक के नीचे ये स्कोर का ब्लॉक लगा दिया। ये टोटल फाइव थे तो मैंने उनके नीचे ये लगा दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम जितने डिफरेंट ढूंढते हैं तो यहाँ पर उसका स्कोर भी आना चाहिए कि आपने कितने ढूंढ लिए हैं। तो चलिए अभी हम इसकी भी कोडिंग करना शुरू करते हैं। अभी हमने स्कोर शो कराना है, इसी के लिए हम सब टाइटल में इसको शो कराएंगे। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट में जाऊंगी और यहाँ से लूंगी जॉइन ब्लॉक और जॉइन के अंदर मैं लगाऊंगी कि सब टाइटल में ये स्कोर शो होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं वर्ड में जाकर प्रिंट से ये इसका छीन लेती ब्लॉक और इसमें क्या शो होना चाहिए, हमारा स्कोर। तो यहाँ पर अभी मैं SCORE स्कोर लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं आगे स्पेस भी डाल देती हूँ ताकि जो हमारा स्कोर का नंबर आएगा वो थोड़ी सी स्पेस के आगे आए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने ले लिए हैं, तो इसी के लिए मैं अभी वेरिएबल में जाकर यहाँ से ये स्कोर ब्लॉक को यहाँ पर डाल देती हूँ। तो फिर वो स्कोर के आगे उतना स्कोर बताएगा जितने हमने डिफरेंस ढूंढ लिए हैं। तो अभी मैं इस पूरे ब्लॉक को कॉपी करके सभी डिफरेंस के नीचे लगा देती हूँ।
वैन ब्लॉक के नीचे। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल सी भी कर दूंगी और ये अभी आ रहा है। और इसे मैं पहले कोई भी एक डिफरेंस के नीचे लगा देती हूँ, जैसे ये है। तो यहाँ पर स्कोर आना चाहिए, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये काम करता है। तो ये हमारा डिफरेंस। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो हमारा ये देखिए स्कोर एक बढ़ता है। तो अभी हम सभी डिफरेंस के नीचे ये वाला ब्लॉक को कॉपी करके डाल देते हैं। तो अभी मैंने सभी वैन ब्लॉक्स के नीचे ये शो टाइटल का ब्लॉक सभी के नीचे लगा दिया है, पाँचों पाँचों। तो अभी हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो पहला ये, तो ये देखिए हमारा स्कोर इंक्रीज हो गया। फिर ये और ये, तो हमने 5 डिफरेंस ढूंढ लिए, तो वहाँ पर हमारा स्कोर भी 5 हो गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जब हम ये सभी को ढूंढ लेते हैं तो फिर यहाँ पर एक मैसेज भी शो होना चाहिए कि आप यू हैव विन, कि आप ये गेम को जीत गए। तो अभी हम लॉजिक में जाकर यहाँ से इफ ब्लॉक लेते हैं और इसे लगा देते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पर अभी हम डालेंगे कि अभी मैं वेरिएबल में जाती हूँ और यहाँ से लेती हूँ स्कोर। तो शुरू से हमारी स्कोर की वैल्यू 0 थी, लेकिन अभी जब हमारी स्कोर 5 हो जाती है तो इसके लिए मैं मैथ में जाकर यहाँ से लेती हूँ 0 और इसे लगा देती हूँ यहाँ और इसके अंदर डाल देती हूँ 5। तो अगर हमारा स्कोर हो जाता है 5 तो फिर अभी हम टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ से लेते हैं शो टाइटल। और टाइटल में क्या शो होना चाहिए, यू हैव विन। तो इसके लिए अभी मैं लिखती हूँ यू हैव विन, आप जीत गए। और इसके बाद मैं इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी डाल देती हूँ कि इतनी हैरानी की बात है कि आप जीत गए। तो अभी मैं चाहती हूँ कि इसके साथ एक साउंड भी आनी चाहिए, तो मैं जाती हूँ वॉल में और यहाँ से लेती हूँ प्ले साउंड ब्लॉक और इसे लगा देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि वो साउंड उसके साथ ही आनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से चूज करती हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ ये नोटिफिकेशन और यहाँ से ये वाली साउंड चूज कर लेंगे कैसे, हाँ। और इसे अभी चूज और ये ब्लॉक मैं अभी सभी के नीचे लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने अभी सभी वैन ब्लॉक्स के नीचे अपना ये वाला ब्लॉक लगा दिया है। तो अभी हम इसे रन करके चेक करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो ये देखिए साथ में कितनी सुंदर साउंड भी आई और यहाँ पर आया यू हैव विन। अगर आप भी इसके जैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप इसे वहाँ से ओपन करके रिमिक्स करके आप यहाँ पर इस ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो बाय, मिलेंगे माय नेक्स्ट वीडियो में।